दोस्तों पूरे 90 सालों के बाद 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को दिखेगा कार्तिक पूर्णिमा का चांद। 12 राशियों में से इन 3 राशि वालों की लगेंगी लॉटरी। आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे 90 सालों के बाद 27 नवंबर दिन सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग माता लक्ष्मी योग में 12 राशियों में से 3 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों अब इन 3 राशि वालों की। इस दिन यानी 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों खुद धन की देवी माता लक्ष्मी अब इन 3 राशि वालों के घर कार्तिक पूर्णिमा के दिन पधार रही है, जिससे अब इन 3 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और अब इन 3 राशि वालों के जीवन में आने वाली हैं माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे अब इन 3 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों वे खुशनसीब और भाग्यशाली। 3 राशियां कौन कौन सी है जो कि 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी योग दिव्य और दुर्लभ महान शुभ संयोग बनने से लॉटरी लगने वाली है। ये 3 राशि वाले होने वाले हैं अब धन से मालामाल होने वाले हैं। स्वयं विधाता भी अब इन 4 वासी वालों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मालामाल बनने से, धनवान बनने से, करोड़पति बनने से नहीं रोक सकते। इस वीडियो में हम आपको उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस न करें, क्योंकि यह वीडियो इन 3 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त धर्मलोक चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को है। आपको बता दें, इस दिन भगवान भोलेनाथ जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। यदि इस दिन कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकाली की होती है। वहीं रोहिणी नक्षत्र होने पर इस पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त होता है। रोहिणी नक्षत्र की वजह से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु जी का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीप दान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुण्य पर्व कहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीप दान, होम, यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड इस प्रकार है। आपको बता दें, पूर्णिमा के दिन प्रातकाल जागकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी, सरोवर या फिर कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, अनुभूति, संत, दूति, त्रुटि, अनुसूया और क्षमा इन कृतिका का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बैल का दान करने से शिव फल प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रक्त और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस दिन भैंस का दान करने से ग्रह योग के कष्टों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं।
कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाली व्रतियों को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कराना चाहिए। आपको बता दें, इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करना चाहिए। विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातकाल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे कुंडली से चंद्र दोष दूर हो जाता है। अर्घ्य देने के दौरान चंद्रदेव के मंत्र ओम क्लीन सोमाय नम मंत्र का जाप जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा के दर्शन अवश्य करनी चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव में लड़ाई झगड़ा रहता है तो इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन करें और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य दें। ऐसा करने से संबंधों में मधुरता आ जाएगी। साथ ही साथ आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूतक, कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को आपकी पूर्ण कर देंगी। और दोस्तों, साथ ही साथ इस दिन आपको कोई भी फल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के सुमन करते हुए गाय को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देंगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जो कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से 27 नवंबर दिन सोमवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन बन रही हैं। दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग माता लक्ष्मी योग में अब इन तीन राशि वालों की लॉटरी लगने वाली है। ये तीन राशि वाले मालामाल होने वाले ही स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते हैं। इन तीन राशि वालों को करोड़पति बनने से मालामाल बनने से 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वे चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जो कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मालामाल बनने वाली है। इन तीन राशि वालों की लॉटरी लगने वाली है 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। सनातन धर्म के शास्त्र और पुराणों में वर्णित है कि यदि किसी पर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो उसके घर में कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि माता लक्ष्मी का स्वभाव बेहद चंचल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी एक जगह टिककर नहीं रह पाती। यही वजह है कि मनुष्य के जीवन में धन संबंधी उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लोग तमाम प्रकार के उपाय भी करते हैं, जिससे माँ खुश होकर व्यक्ति को मालामाल बना देती है। दोस्तों, आज के समय में इंसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे पहला कारण आर्थिक तंगी है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव ग्रहों की चाल से निरंतर होते रहते हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा ऐसे ही भविष्य को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। इसी क्रम में इस बार विशेष महासंयोग बन रहा है।
जिसमें माता लक्ष्मी अब 12 राशियों में से 3 राशियों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है और इन पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि हमने बताया है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनकी चाल से सीधा हमारे सामान्य जीवन पर असर पड़ता है। कभी कोई किसी राशि के लिए खुशियां लेकर आता है तो कभी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी क्रम में इस बार के महासंयोग से माता लक्ष्मी इन चारों राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है। यूं कहें कि इन 3 राशि वालों की अब लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों, ऐसा संयोग जीवन में कभी कभी ही आता है जिसमें माता लक्ष्मी स्वयं 3 राशियों पर अपनी कृपा बरसने वाली है। दोस्तों, अब इन 3 राशि वालों के जीवन में माता लक्ष्मी की अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, जिन 3 राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है, उन 4 और खुशनसीब भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दे कि लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, आपके लिए अब समय अत्यंत शुभ रहने वाला है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत अधिक धन लाभ प्राप्त करने वाले हैं। धन संबंधित अनेक प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। धन प्राप्ति के अनेक अवसर। कन्या राशि वालों, अब आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधार रही हैं और आपकी झोली अब खुशियों से भरने वाली है। दोस्तों, अब आप हर कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपका जीवन सुखमय बनेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि वालों, कहना गलत नहीं होगा, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों का भंडार आने वाला है। आपका जीवन अब माता लक्ष्मी खुशियों से भरने वाली है। आपके जीवन में अब आप अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वे राशि है मेष राशि। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी कुंडली में जबरदस्त महालक्ष्मी योग बन रहा है। यह संयोग कभी कभी ही बनता है दोस्तों, जिसके कारण आपके लिए माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से समय अब बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपकी जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जो आपके जीवन की दशा पूरी बदल कर रख देगा। दोस्तों, अब आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी किस्मत में अब माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगह से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। मेष राशि वालों, आप व्यापार में देखेंगे कि आपको व्यापार में लाभ मिलने वाला है। जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करेगा। आपको हर जगह से ही अब लाभ ही लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में हैं, उनकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। उन्हें मनचाही नौकरी मिलेगी और साथ ही साथ नौकरी जो लोग करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि के भी योग हैं। मेष राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति से इच्छुक हैं, उनको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का भी सुख मिलने वाला है। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मेष राशि वालों, अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं।
अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। माता लक्ष्मी स्वयं आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी अब आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा बन रही है, जिसकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और पैसा बढ़ेगा। अधिक धन लाभ अब आपको होने वाला है। आपको जल्द ही नया काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके घर परिवार में शांति बनी रहेगी। और आपको बता दें, कुंभ राशि वालों जो लोग व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में अधिक मुनाफा मिलने वाला है। उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो वह सपना इनका जल्द ही पूरा होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी कार्य अब बहुत आसान तरीके से होने वाले हैं। जो कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे, वे कार्य अब सफलतापूर्वक पूरी होंगे। आपको हर जगह से ही अब कुंभ राशि वालों लाभ ही लाभ मिलने वाला है। माता लक्ष्मी जी की जबरदस्त कृपा आपके ऊपर बन रही है। यूं कहें कि आपकी जल्द ही अब लॉटरी लगने वाली है। कुंभ राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको अनेक प्रकार के धन लाभ प्राप्ति के योग हैं और आपके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, ये सभी उपाय करके देखना, आपके सभी काम सफल जरूर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी खुश रहें। जय श्री राम।